मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में खालिस्तान का हामी एक और सिख रहनुमा कत्ल। कनाडा में दहशतगर्दी पर अमेरिका ने भी भारत को वार्निंग दे दी। सुख दोल सिंह भारत को मतलूब खालिसा तहरीक के रहनुमाओं में शामिल थे। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने ग्रीन बेल्ट के गलत फैसले पर माफी मांग ली। जमीन के तबादले को तब्दील करने का अहद किया। डग फोर्ड का कहना है कि ग्रीन बेल्ट खोलना गलती थी, अमल बहुत तेज हुआ। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की कैनेडियन सिफारतकारों को धमकियां। कैनेडियन हुकूमत का सिफारत खानों में स्टाफ की कमी पर गौर। भारत के साथ वीजा सर्विस रोकने के सवाल को कैनेडियन वजीर आजम ने मुस्तरद कर दिया। रूसी सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए एक ऑपरेशनल जासूसी सेल में काम करने का इल्ज़ाम। बरतानिया में रूस के लिए जासूसी का इल्ज़ाम। 5 अफराद पर फर्द जुर्म आयद होगी। इल्ज़ाम मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तहकीकात के बाद सामने आए हैं। कतर की अमेरिका ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करने की कोशिश। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि सिफारतकारी ही मौसर नतज हासिल करने का जरिया है। देखेंगे कि मुस्तकबिल में इसके क्या मौके मिलते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा भारत को इश्तियाल नहीं दिला रहा है, न मसाइल पैदा कर रहा है। ये मामला कानून की हुक्मरानी का है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा भारत को इश्तियाल नहीं दिला रहा, न मसाइल पैदा कर रहा है। ये मामला कानून की हुक्मरानी का है। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगु करते हुए वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि एक कैनेडियन शहरी को कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल किया गया। हमारे पास भारतीय हुकूमत के एजेंट्स के कत्ल में मुलविस होने का यकीन करने की मुसद्दिका वजूहात हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अंदरून या बैरून मुल्क कैनेडियन शहरियों की हिफाजत को इंतहाई संजीदगी से लेते हैं। यकीनी बनाएंगे कि कैनेडियन निज़ाम का एहतराम किया जाए। सिख अलैदगी पसंद रहनुमा का कत्ल संगीन मामला है। इस मामले को संजीदगी से लिया जाना चाहिए और हम यही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के लिए कानून की हुक्मरानी इंतहाई और बुनियादी अहमियत की हामिल होती है। कैनेडा में इंसाफ का निज़ाम बेहतरीन और आज़ादाना काम करता है, जिसके तहत केस को फॉलो करेंगे। दूसरी जानिब कनाडा में भारत से अलहदगी की हामी सिख खालिस्तान तहरीक के एक और रहनुमा को कत्ल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिख दोल सिंह को कनाडा के शहर विनीपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। सिख दोल सिंह एक और सिख रहनुमा अर्शदीप सिंह के करीबी साथी थे। हफ्तों के दबाव और दो वज़रा के इस्तीफों के बाद ऑन्टेरियो की हुकूमत अपना रास्ता बदल रही है और सूबे के महफूज ग्रीन बेल्ट के लिए मुतनाज़ा ज़मीन के तबादले को तब्दील कर रही है। मज़ीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। हफ्तों के दबाव और दो वज़रा के इस्तीफों के बाद ऑन्टेरियो की हुकूमत अपना रास्ता बदल रही है और सूबे के महफूज ग्रीन बेल्ट के लिए मुतनाज़ा ज़मीन के तबादले को तब्दील कर रही है। प्रीमियर डग फोर्ड ने नियाग्रा फॉल्स ऑन्टेरियो में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। डग फोर्ड ने कहा, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ग्रीन बेल्ट को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने उस वादे को तोड़ा और उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। ग्रीन बेल्ट को खोलना एक गलती थी। एक ऐसा अमल कायम करना एक गलती थी जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा।
इस अमल ने कुछ लोगों के लिए दूसरों पर फायदा उठाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश छोड़ दी। इसकी वजह से लोगों ने हमारे मकासद पर सवाल उठाए। आपका एतमाद वापस लेने के लिए एक कदम के तौर पर मैं उन तब्दीलियों को तब्दील करूंगा जो हमने की हैं और मुस्तकबिल में ग्रीन बेल्ट में कोई तब्दीली नहीं करूंगा। डग फोर्ड ने कहा कि ये फैसला उनकी कॉकस और काबीना के साथ दो दिन की मुलाकातों के बाद आया, जहां वोजरा ने उन्हें बताया कि वो अपनी निश्चितों के हलकों से क्या सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऑनटेरियो के लोग जान लें कि मैं सुन रहा हूं। डग फोर्ड ने कहा कि सूबे का इरादा ऑनटेरियो के हाउसिंग बहरान के पेश नज़र घरों की तामीर करना है और कहा कि हुकूमत उन इलाकों में तामीर जारी रखेगी जो तरक्की के लिए खुले हैं। हम ट्रांजिट पर मबनी कम्युनिटीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करने जा रहे हैं। हम ऐसे मॉड्यूलर घरों पर तवज्जो मरकूज़ करने जा रहे हैं जो स्टार्टर होम्स होंगे, जो सस्ते और काबिले हुसूल होंगे, और हम इस बात को यकीनी बनाने जा रहे हैं कि हम अपने अहदाफ को हासिल करें। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस सवाल को मुस्तरद कर दिया कि आया उनकी हुकूमत कैनेडा और भारत दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा खिदमात को रोकने के हिंदुस्तान के इकदाम से मुताबकत रखती हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस सवाल को मुस्तरद कर दिया कि आया उनकी हुकूमत कैनेडा और भारत दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा खिदमात को रोकने के हिंदुस्तान के इकदाम से मुताबकत रखती है। कैनेडा में इंडिया के वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर ने जुमेरात को खिदमात मौतल कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे होने वाले तनाज़े का एक हिस्सा जो पीर को शुरू हुआ जब ट्रूडो ने कहा कि हो सकता है कि इंडिया की हुकूमत कैनेडा के एक सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस हो। हरदीप सिंह निजर जो भारत को बरसों से मतलूब था को 18 जून को सरे बीसी में एक सिख मंदिर के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। न्यूयॉर्क में खिताब करते हुए ट्रूडो ने वीज़ा प्रोसेसिंग के बारे में सवालात को नज़रअंदाज किया और हिंदुस्तानी हुकूमत से मामले की तह तक पहुँचने के लिए मजीद इकदाम करने का मुतालबा दोहराया। हिंदुस्तान में कैनेडा के हाई कमीशन ने एक मीडिया बयान में कहा है कि कुछ सिफारतकारों को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धमकियां मिलने की वजह से वो हिंदुस्तान में अपने मुकामात पर अपने अमले की मौजूदगी को आर्जी तौर पर एडजस्ट कर रहा है। कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा नज़र रखे हुए हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं ने कैनेडियन सिफारतकारों को सोशल मीडिया पर संगीन नतायज की धमकियां दी हैं। हिंदुस्तान के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक 2021 में 80,000 कैनेडियन सयाहों ने हिंदुस्तान का दौरा किया, जिससे वो चौथा सबसे बड़ा ग्रुप बन गया। कैनेडा हिंदुस्तानियों बिलखसूस तुलबा के लिए एक पुरकशिश मुकाम है। 2022 में तकरीबन 3 लाख हिंदुस्तानी कैनेडा में आला तालीम हासिल कर रहे थे। बरतानिया में रूस के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 5 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुलजिमान आइंदा मंगल को वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बरतानिया में रूस के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 5 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुलजिमान आइंदा मंगल को वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे। बरतानवी मीडिया ने बताया कि मुलजिमान पर इल्ज़ाम है कि वो रूसी सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए एक ऑपरेशनल जासूसी सेल में काम करते थे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 5 बल्गारियाई शहरियों ऑर्लन रोसिव, बेजियर दजाबोमवो, कैरियन एवानावो, एवान स्टोयानो और वानिया गैब्रोवा पर अगस्त 2020 से फरवरी 2023 के दरमियान मालूमात इकट्ठी करने की साजिश का इल्ज़ाम है। ये इल्ज़ाम मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तहकीकात के बाद सामने आए हैं। बरतानवी मीडिया ने बताया कि मुलजिमान पर इल्ज़ाम है कि वो रूसी सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए एक ऑपरेशनल जासूसी सेल में काम करते थे। बरतानवी मीडिया का मजीद कहना है कि मुलजिमान पर बरतानिया और यूरोप में सरगर्म कार्रवाइयों में काम करने, रूसी रियासत के लिए मालूम जमा करने और मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। बरतानवी मीडिया ने यह भी बताया कि 45 साल मिस्टर रोसेफ पर इल्ज़ाम है कि वो बरतानिया से ऑपरेशन चलाते थे। ये लोगों से रابطے के तौर पर काम करते थे जिन्हें इंटेलिजेंस मालूमात हासिल थी। कतर ने रवां हफ्ते अमरीका और ईरान के साथ अलहदा मुलाकातें करके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कतर ने रवां हफ्ते अमरीका और ईरान के साथ अलहदा मुलाकातें करके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि ये मुलाकातें पीर और मंगल को न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली इजलास की साइडलाइन पर हुई। ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले की डील में सालिसी के बाद कतर दोनों मुल्कों में तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत का माहौल तैयार करना चाहता है। मशरिक वस्ता से ताल्लुक़ रखने वाले एक सिफारतकार ने कहा कि रवां हफ्ते मजीद दो तरफा मुलाकातें होंगी।
सिफारतकार का कहना था कि ये मुलाकातें किसी ठोस मुज़ाकरात का माहौल तैयार करने के लिए इब्तदाई बातचीत का जरिया है। उन्होंने कहा यह बातचीत ईरान और अमरीका के दरमियान मुस्तकबिल में एटमी प्रोग्राम के मसले पर एक समझौते और बिलावास्ता मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करने की गर्ज से की जा रही है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने पीर को बयान देते हुए कहा था कि जब बात सबसे अहम मसले यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हो तो हम समझते हैं कि सिफारतकारी ही मौसर नतायज हासिल करने का जरिया है। उनका कहना था कि हम फिलहाल इस मामले पर काम नहीं कर रहे लेकिन देखेंगे कि मुस्तकबिल में इसके क्या मौके मिलते हैं। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।